जे कोई नित तुलसी ध्यावे सोई मन वांछित फल पावे। नित जो कोई नित, कई लोग कहते द्वादशी को पूजन नहीं करना, अरे भले मानस कहां से सीख लिया। प्रत्येक दिन तुलसी का पूजन करना, रविवार को भी करना है, द्वादशी को भी, एकादशी, सब दिन तुलसी की सेवा करो। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, ये हमने ग्रंथ लिखा जिससे मैं इस समय बोल रहा हूं, इस ग्रंथ का नाम है तुलसी शतक, 100 चौपाइयों में तुलसी की महिमा गाना। और ये मैंने अपनी तरफ से मनगढ़ंत चौपाइयां नहीं बनाई, चौपाइयां हमारी बनाई है, लेकिन अनेक पुराणों में जहां जहां तुलसी के बारे में कुछ भी लिखा है उन सब को इकट्ठा किया, श्लोकों को, फिर उन श्लोकों का की मैंने चौपाइयां बनाई है। कि श्लोकों तक सबकी पहुंच नहीं है, जो संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते उनके लिए हिंदी में, जैसे वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, तो भगवान शंकर जी ने तुलसीदास जी को कहा कि भाषा में लिखो, संस्कृत में नहीं। पहले वो संस्कृत में रामायण लिख रहे थे और अगले दिन सुबह जब देखते लिखी रामायण एक दिन पहले की तो गायब हो जाती, हर रोज पन्ने चोरी हो जाते रामायण के। तीसरे दिन भगवान शंकर ने तुलसीदास जी से कहा, चोर कोई और नहीं है, तुम्हारी लिखी रामायण के पन्ने मैं चुराता हूं। क्यों? आपने तो कहा था रामायण लिखो और आप ही चुराने लगे। का इसलिए तुम संस्कृत में लिखते हो, हिंदी में लिखो, हिंदी में, भाषा में लिखो। तब रामचित्तमानस भाषा बद्ध किया। तो शंकर जी ने क्यों रामायण हिंदी में लिखवाई संस्कृत से? क्योंकि वर्तमान की परिस्थिति देखकर। इसी प्रकार ठाकुर जी के द्वारा हम भी प्रेरित हुए और जहां जहां भी संस्कृत के श्लोक हमारे 18 पुराणों में, तंत्र आगम ग्रंथों में, जहां जहां भी सबको इकट्ठा किया गया और उन श्लोकों के आधार पर जो कहते हो उनको हिंदी में उनको रूपांतरित कर दिया चौपाइयों में। तो ये जितने भी चौपाइयां हैं ये पुराणों के किसना किसी श्लोक का अर्थ है।